दोस्तों, हमारे महाराज विक्रमादित्य मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते, लेकिन अगर मदद करने वाला खुद मुश्किल में फंस जाए तो क्या हो? और अगर फंसेंगे तो क्या निकल पाएंगे? वो तो जब आप देखोगे तो जानोगे, और जानोगे तो समझोगे। ये अचानक काले बादल कहाँ से घिरा है? हमें वापस महल लौट जाना चाहिए महाराज। बचाओ, अब बचाओ, बचाओ। ये थैला हमारे हवाले कर दो। मेरे जीते जी, ये तुम लोगों को नहीं मिल सकता। तुम्हें मारने के बाद हम इसे ले लेंगे। उस थैले को, वरना अनर्थ हो जाएगा। ये लीजिए आपका थैला। इतना सब कुछ एक पुराने से चिराग के लिए? ये कोई साधारण चिराग नहीं है। ये चिराग पुरखों के समय से हमारे पास है। इस चिराग में दुनिया का सबसे ताकतवर जिन रहता है। इस जिन के जादू में इतनी ताकत है कि ये कोई भी काम कर सकता है। हाँ, कोई भी, लेकिन एक पल के लिए भी उस जिन को खाली बिठाना पड़ा ना, तो वो अपने मालिक को ही जान से मार देगा। सालों से हमने इस जिन को संभाल के रखा है, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं राजा विक्रमादित्य के दरबार में जा रहा हूँ उन्हें ये चिराग देने के लिए। यही तो है राजा विक्रमादित्य, जिन्होंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई। सच? लीजिए महाराज, लीजिए। अब इस जिम्मेदारी को आप ही उठाइए, ताकि मैं हिमालय जाकर अपना वानप्रस्थ जीवन शुरू कर सकूं। महाराज, अब तुम जाओ और इन्हें छोड़ाओ। जी महाराज। ये कैसी मुसीबत आन पड़ी? ये तो तूफान है। ये जिन कोई भी काम कर सकता है, पर अपने मालिक को मार देगा। अगर मेरी जान को खतरे में डालने से राज्य बच सकता है तो मुझे संकोच नहीं करना चाहिए। कितने सालों से मैं इस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने आजाद किया तुम्हें, इसलिए तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा। क्यों नहीं, कहिए क्या हुक्म है मेरे आका? उस आते हुए तूफान को रोक दो। जो हुक्म मेरे आका, बस इस बात को ध्यान में रखना।
कि अगर मैं खाली बैठा तो मुझे मजबूरन आपको मारना पड़ेगा। तूफान तो ठंडा हो गया महाराज। शुक्र है भगवान का, आज तुमने बहुत जिंदगियां बचाई हैं। लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी बचाना चाहते हैं, तो जल्दी से मुझे कोई नया आदेश दे दो। महाराज, ये क्या किया आपने? इस जिनी को बाहर निकाल दिया, अब क्या होगा? जाओ और सारे राज्य को नए रंग से चमका दो, खेतों पे बारिश करवा दो, फसल ठीक कर दो, नए बांध बना दो, सड़क, धर्मशाला, गोदाम बनवा दो, टूटे हुए मकान ठीक कर दो। जाओ। जो हुक्म मेरे आका। कमाल कर दिया तुमने जिन, कमाल कर दिया, पूरे राज्य की दशा ही बदल दी। मुझे बस ये बताओ कि आगे क्या करना है, वरना जाओ मुंजा को पकड़कर मेरे पास ले आओ। बस। तो ये सारा राज्य तबाह कर देगा। देखा महाराज, मैं भी कोई कम ताकतवर नहीं हूँ, दिया ना चकमा उस जिनी को। मुंजा को मेरे हवाले कर दो। और क्या हुक्म है मेरे आका? मेरे आका।
बात है। ये तो महाराज ने मुझे बहुत आसान काम दे दिया है। ये तो मैं बहुत जल्द 6, 7, 8, 9, 10। मुंजा, आज तुम्हारी चतुराई ने ना केवल हमारी जान बचाई है बल्कि पूरे राज्य को भी बर्बाद होने से बचा लिया है। एक लाख बारह हजार निन्यानवे। देखा कैसे कभी कभी मुसीबत बिन बुलाया जाती है।